कारण क्या है, लक्षण क्या है, इससे बचाव के उपाय क्या हैं और कैसे इसका उपचार हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो डेंगू बुखार का जो कारण है वो है डेंगू वायरस, जिसको कहा जाता है DENB। आमतौर पर पूछा जाता है डेंगू बुखार का कारण क्या है, डेंगू बुखार किस चीज़ से होता है, तो लोग बताते हैं, कहते हैं मच्छर काटने से होता है। तो ये पूरी तरह से गलत बात है। मच्छर केवल डेंगू बुखार को फैलाता है, एक रोगी को काटता है तो उससे विषाणु को लेकर और दूसरे में पहुंचा देता है, दूसरे को जब काटता है। तो इस तरह से मच्छर रोगवाहक है। इस मच्छर का नाम होता है एडीज एजिप्टाई। तो एडीज एजिप्टाई रोगवाहक मच्छर है और रोग कारक जो है, रोग का कारण जो है वो वायरस है। तो जो डेंगू बुखार होता है ये चार प्रकार के वायरस द्वारा होता है। इस तरह से चार बार कहा जाता है कि डेंगू बुखार हो सकता है, बाद में इससे इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा डेवलप हो जाती है। तो याद रखिए डेंगू बुखार वायरस के द्वारा होता है। अब बात करते हैं डेंगू बुखार के लक्षण क्या हैं। तो डेंगू बुखार के जो लक्षण हैं वो पहला लक्षण है कि बुखार आता है और ठंड लगकर बुखार आता है, गला भी कुछ गड़बड़ हो सकता है और हाथ पैर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, आँखों को दबाने पर दर्द महसूस होता है, सिर दर्द भी होता है, कभी कभी जो है पेट दर्द या उल्टी की शिकायत होती है। तो बेचैनी और साथ में रेसेस, लाल चकत्ते पड़ते हैं त्वचा पर, तो ये सामान्य डेंगू कहलाता है। इसको कहा जाता है क्लासिकल डेंगू या सामान्य डेंगू। दूसरा जो प्रकार है डेंगू का, उसमें क्या होता है कि कभी कभी नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि खून के इसमें बहाव होने लगता है, खून का रिसाव होने लगता है, नाक से और आँख से भी कभी कभी होता है, आँख नाक और मसूड़े से होता है। तो नाक और मसूड़े से रिसाव होता है, अंदरूनी रिसाव भी हो सकता है। तो इस तरह इसको कहा जाता है हीमोरेजिक डेंगू। तीसरा प्रकार है जो डेंगू का, उसको कहते हैं DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम। मतलब इस प्रकार के डेंगू में सदमे जैसी स्थिति होती है, बहुत बेचैनी होती है और त्वचा ठंडी हो जाती है बुखार होते हुए भी, और जो है क्या होता है कि लोग बेहोश भी हो जाते हैं, तो और रक्तचाप कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसको कहा जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तीन तरह का डेंगू होता है, क्लासिकल डेंगू, डेंगू शॉक सिंड्रोम और हीमोरेजिक डेंगू। तो इस तरह से तीन प्रकार के डेंगू के रोगी हो सकते हैं, डेंगू का रोग हो सकता है। आमतौर पर इस रोग में ये ध्यान देने वाली बात होती है कि बुखार दो तीन दिन में तो उतर जाता है, मच्छर काटने के 2 से 5 दिन बाद आमतौर पर डेंगू का बुखार होता है। तो डेंगू का बुखार जब हो जाता है तो उसमें लोग डेंगू का बुखार उतारने के लिए आमतौर पर दवा खा लेते हैं, बुखार उतर जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है और बहुत कमजोरी आ जाती है, तरह तरह की दिक्कतें महसूस होती हैं। तो ऐसे में जांच कराना बहुत ज़रूरी है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम क्यों हो गई है, कितनी हो गई है, उस तरह से प्लेटलेट्स संख्या बढ़ाने के लिए कुछ उपचार डॉक्टर देंगे। तो जो देसी नुस्खा है उसमें पपीते की पत्ती की का रस, जो कि पीने में बहुत ही कड़वा होता है लेकिन फ़ायदा बहुत करता है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। कीवी फल का उपयोग लोग करते हैं, फलों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो बकरी का दूध है इसका उपयोग होता है, साथ में जो दूसरी चीज़ है बकरी के दूध के अलावा कीवी का फल और पपीते की पत्ती, इन सब चीज़ों के अलावा जो उपयोग करते हैं उसका उपयोग करते हैं हम नारियल पानी, तो नारियल पानी का भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ देसी नुस्खे का उपयोग करके प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बाकी जो दिक्कतें हैं वो डॉक्टर्स अपने हिसाब से दवा देते हैं, डॉक्टर की सलाह से काम करना चाहिए, सही समय पर उपचार कराना चाहिए। तो डेंगू का जो नियंत्रण है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेंगू का जो मच्छर है उसको ख़त्म किया जाए। डेंगू के मच्छर जो होते हैं एडीज एजिप्टाई, ये दिन में काटते हैं, सुबह शाम काटते हैं, तो ये कहा जाता है घुटने के नीचे ही उड़ता है और साफ पानी में ये पैदा होता है, अंडे देता है। इसलिए ये करना चाहिए कि डेंगू का जो मच्छर है उसकी संख्या न बढ़े, आसपास साफ सफाई रखें और कहीं भी पानी जमा ना होने दें जहाँ पे मच्छर अपने लार्वा इकट्ठा कर सके, उसके लार्वा हों। तो मच्छरों के विनाश के लिए तरह तरह के घर में हम लोग गुड नाइट, ऑल आउट, मॉर्टीन, इनका उपयोग करते हैं कि मच्छर भाग जाएं और मर जाएं। हिट का उपयोग करते हैं,
कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे पानी जमा होता है नालियों में वहाँ पे आमतौर पर मच्छरों को ख़त्म करने के लिए केरोसिन ऑयल डालते हैं जिससे उनके लार्वा डूब जाएं। इसके अलावा बायोलॉजिकल तौर पे देखा जाए, जैविक तौर पे देखा जाए तो जो ड्रैगन फ्लाई होता है, ड्रैगन फ्लाई जो गांव में तित्तूर कहा जाता है, उड़ता रहता है, बरसात के दिनों में ख़ास तौर से दिखता है, तो भी मच्छर के लार्वा को खाता है और मच्छरों से निजात दिलाता है, तो ये लाभदायक कीट है। इसके अलावा एक मछली होती है गैम्बूशिया, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, नालों में छोड़ा जाता है इसको कि मच्छर के लार्वा को खाए। तो इस तरह से जैविक उपचार भी करने में सहायता मिलती है इनसे। तो हम देखते हैं कि पहला तो कारण, सबसे पहला वायरस है, और दूसरा इसका लक्षण सबको मालूम हो गया, तीसरा इसका जो उपचार है बुखार का उपचार, पैरासीटामॉल का इस्तेमाल करते हैं, साथ में प्लेटलेट्स बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। और जो डेंगू होता है ये मुख्य तौर पर चार प्रकार के वायरस द्वारा होता है, इसलिए इसका टीका सक्सेस नहीं हो पाया है, तो टीका इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है आमतौर पे। तो हम इसके बचाव से ही इसका उपचार एक तरह से निहित है, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा जो है काम नियम के अनुसार करेंगे, डॉक्टर की सलाह से करेंगे, तो हम लोग ज़रूर डेंगू से जीतने में कामयाब होंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। धन्यवाद।